Oh man. Second night I've dreamt about you, babe. I don't know how I should tell you, babe. But lately I get lost thinking about you. I admit that I can't be without you. I hope all are good. So पिछला वाला जो मेरा वीडियो था राइट के ऊपर नौगांव राइट मैंने किया था, so उसी का एक ये पार्ट है मैं बनाने वाला हूँ. तो आई होप इस वीडियो का भी इंजॉय कीजिएगा. तो अगर आप इस वीडियो को आप लोगों ने नहीं देखा तो ऊपर आई बटन आ रहा होगा, आप लोग वहाँ पे जाके देख सकते हो. तो यार हाय हेलो नमस्ते एंड वेलकम टू वन फ्रेश एंड ब्रांड न्यू वीडियो ऑफ माय चैनल बेबी टू ब्लॉग्स. तो फिलहाल जो ये जो पार्ट है मैं जो बना रहा हूँ अभी, सो उस वीडियो को बनाने का मुझे कोई मतलब नहीं था. मैं एक ही वीडियो में सब कुछ कंप्लीट करना चाहता था, पर ये वीडियो मुझे बनाना पड़ा क्योंकि आप लोग देख लीजिए. पहले तो ये जो क्लिप है आप लोग पहले तो देख लीजिए, उसके बाद जो है बातें करेंगे. तो पहले आप लोग देख लीजिए कुछ हुआ है शायद. ओह मैन, एक कहने के हो सो हो चुका है एक एक्सीडेंट. कैसे हुआ है सर? स्पीड में था. वो कहाँ से आया? वो वहाँ से. ভাল ফার্স্ট এইড আছে নাকি মোৰ লগত? বেগে হৈছে বে. हो चुका है भाई एक्सीडेंट. क्या हाँ सो बहुत बुरा एक्सीडेंट हो चुका है. आप लोग बहुत ही स्पीड में था शायद भाई. জিরো ওয়ান গাড়ি পুরো না না কি কয় ড্রিঙ্ক পুরো ড্রিঙ্কস করে আছে হেরে পায় গুন্ডায় আছে. তো ড্রিঙ্কস করলে হবে এনেকুয়া পুরা বিয়ারে গুন্ধা. হ্যাঁ কেঁচা মু তাকে পেলে এই পড়ি আছে তাতে সেখানে ভাই सो यहाँ पर एक एक्सीडेंट हो गया है आप लोग देख सकते हैं. सो मेरे हिसाब से तो जो है वो ड्राइवर की ही गलती है, जो बाइक चला रहा था वो एक इसका ही गलती हुआ क्योंकि वो ड्रिंक एंड ड्राइव कर रहा था, वो ड्रिंक कर रहा था उसके कारण जो है एक्सीडेंट हुआ. तो आई होप आप लोगों ने देख लिया है ये जो क्लिप था. तो आप लोग देख ही सकते हैं एक एक्सीडेंट हुआ है. तो एक्सीडेंट क्यों हुआ है मैं आज आप लोगों को बताऊंगा. सो ये जो घटना है वो एक मोरीगांव और नेली, सो मोरीगांव नेली से बाईपास होकर एक मोरीगांव की तरफ रास्ता जाता है, तो वहाँ पर ये घटना हुआ है, ये जो एक्सीडेंट है वहाँ पर हुआ है.
तो क्यों हुआ एक्सीडेंट तो आप लोग समझ सकते हो, बहुत ही हाई स्पीड में था गाड़ी, आप लोग को देख ही पता चल गया होगा। उसका जो गाड़ी का कंडीशन है आप लोग को देख ही पता चल गया होगा, बहुत ही बुरा कंडीशन में है। सो मेन रीजन जो है उस एक्सीडेंट का वो है ड्रिंक। वो भाई साहब ने पूरी तरह से ड्रिंक एंड ड्राइव कर रहा था, पूरा पी कर जो है अपने स्कूटी को चला रहा था। और वो भी जो हम लोग बोलते हैं लोकल मोड, हम लोग आसामिस में बोलते हैं लोकल मोड, मतलब जो घर में बनाने वाला घरेलू वाला जो वाइन होता है, सो वही है। तो वो पी के पूरा मगन होकर वो जो है बाइक चला रहा था। तो उसी के कारण जो है सब लोगों ने बोला है एक्सीडेंट हुआ, बहुत ही स्पीड में था जो है बाइक, तो जाके सीधा डिवाइडर में वो ठोक गया है बाइक को। तो आप लोग देख ही सकते हैं कंडीशन कितना खतरनाक वाला कंडीशन है। तो यार लास्ट में मैं एक ही चीज बोलूंगा, कभी भी मेरे खुद के कारण किसी दूसरे को कभी भी तकलीफ मत पहुंचाना लाइफ में कभी भी, और ड्रिंक एंड ड्राइव तो कभी भी मत करना। आप साइकिल भी चला रहे होंगे तो वो भी मत चला रहा हूँ। अरे यार ड्रिंक करके ड्राइव करोगे तो कहाँ है उसमें लेके आप लोग ध्यान देंगे बाइक को चलाओगे या गाड़ी को चलाओगे। तो यार लाइफ के साथ मत खेलो, एक ही लाइफ है भाई, इसको इंजॉय करना सीखो, इसको जो इसको जो है जीना सीखो। कभी भी लाइफ के साथ मत खेलो यार, आपका लाइफ का कोई इम्पोर्टेंट है कि किसी दूसरे का लाइफ का तो इम्पोर्टेंट होगा ही ना। आप मरना चाहते आप मरो, पर दूसरों को लेके मत मरो भाई। आपके कारण अगर दूसरा कोई मुसीबत में आता है तो कैसे चलेंगे भाई, सीधी बात है। तो आई होप इस वीडियो को, एक छोटा वाला वीडियो है, तो आई होप इस वीडियो को अगर अच्छा लगे तो यार लाइक कर दो, शेयर करो। और ये जो मैसेज है मेरे तरफ से, कभी ड्रिंक एंड ड्राइव मत करो, तो इसको शेयर करो अपने दोस्तों के साथ, और आप भी ये सब मानो। तो फिर मिलते हैं किसी एक नई वीडियो के साथ, टिल देन बाय बाय, गुड नाइट। अभी यार डर तो नहीं है भाई।